Hello everyone, welcome back to my channel The Creative Honey. So today's video is about how to make French fries at home. मैंने यहाँ लिए हैं 5 लंबे साइज़ के आलू. आलूओं को पील कर लेंगे. पील करने के बाद हमें इनको फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट करना है. मैंने सभी आलूओं को ऐसे फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लिया है. अब इनको कर लेंगे अच्छे से वॉश. अब एक कढ़ाई में मैं यहाँ 3 ग्लास पानी लूँगी. 3 ग्लास वाटर ऐड करने के बाद यहाँ मैं एक बॉईल आने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे. अब इसमें डाल देंगे सारे कटे हुए आलू और एक बॉईल आने तक इसको अच्छे से होने देंगे. हमें आलूओं को पूरी अच्छे तरह से बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको 1/2 बॉईल करना है. जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बॉईल आ चुका है और एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम सभी पोटैटोज को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे. निकालने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे. अब एक कढ़ाई में लेंगे तेल. तेल हमें इतना लेना है कि जितने भी पोटैटोज हैं वो इसमें डीप फ्राई हो सकें. अब आलू हो चुके हैं ठंडे. अब हम इनको डालेंगे कढ़ाई में. इनको 1/2 फ्राई करना है, पूरी तरह से फ्राई अभी भी नहीं करना है. और सेम प्रोसेस फिर से हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे. हमें अगेन सेम प्रोसेस करना है रिपीट. कढ़ाई में डालेंगे हम आलू और इस बार हमें गैस की फ्लेम को रखना है फुल और कंटिन्यूस इसको स्टिर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे आलू क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं. आप धीरे धीरे देखेंगे कि आलू जो है क्रिस्पी होते जा रहे हैं और उनका कलर भी चेंज होता जा रहा है. तो फ्रेंच फ्राइज बनकर हो गए हैं रेडी. अब हम इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ. और अगर आपको इसमें डालने हैं स्पाइसेस तो इसमें हम डाल सकते हैं सॉल्ट, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस. और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.